बिजनेस करके हम ना, और अभी तो शुरू किया मैं, बाय 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 है ना, मिस करता था मुझे अब टेंशन है कि वजीरे आजम कौन बनना है। ये क्या बात है, किस तरह से क्या होता है। अच्छा तो पता है बच्चे भी देखते हैं व्लॉग्स, ग्रीन और रेड हम ना बाज मुखलिस होती है कि किसी गैर मर्द के साए से भी परहेज करते। अपने बैट्समैन है उमर भट्ट, जुल्कर्नैन सिकंदर, वन डाउन में टू डाउन अली भट्ट और थ्री डाउन हारिस। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो यार कैसे हो आप सब, ठीक हो, मजे में, चिल कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो अपनी जिंदगी को। मॉर्निंग हो गई हमारी कितने बजे, शाम के 4 बजे। भूख बहुत लगी है यार, तो पता नहीं जल्दी लेट क्यों उठ रहे हैं आजकल हम। खैर रूटीन सेट करनी पड़ेगी, करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। अभी फिलहाल तो भूख लगी है तो जल्दी से जाके नाश्ता करते हैं, फिर एक तो काम है वो भी कर लेते हैं जल्दी जल्दी। क्या कह रहा तू, आंटी सबको पता। क्या पता, दिखाना जरूरी नहीं होता यार, कोई प्राइवेसी भी होती है, खाना खाने दो यार। मैं इस तरह का मुंह बनाऊंगा अच्छा लगूंगा यार, क्या घटिया आदमी है यार मुनीब तू। अगर तू ये मेरी जिंदगी में आना होता, मुझे इतना को मजा आ रहा था, मैं इतना सुकून में होता, इतना स्वाद होता। बंद कर दो फोन, तेरी मेहरबानी से ज्यादा मैं बोल नहीं सकता, मैं तुझे गालियां दूंगा। जब आप नहीं ना थे, जब आप जेल में थे, तो यही इंसान बोलता था कि जिंदगी में कुछ भी नहीं है ना। मिस करता था मुझे, अब मिस करता, मुझे बताया था इसने आके। देखो उसने जिम भी छोड़ दिया था ना जब मैं था। मामा आप बताएंगे, मुझे मिस करता था ना बहुत ज्यादा। बना ये बस इसको, ये जिसको, ये जिसको भी प्यार करता है दिल से करता है, बड़ा लॉयल इंसान है। उमर तुम विजा तुम हंसी क्यों इस बात पे। यार हम लोग निकले थे खत शत करवाने उमर का। यार एक मिनट मैं उनको बता लूं, खत करवा लिया तेरा, क्या चेक कर, पढ़ के बता मुझे। क्या एक वफादार औरत अपने महरम के लिए इतनी मुखलिस होती है कि किसी गैर मर्द के साए से भी परहेज करती है। आए आए आए। उम्र मैंने व्लॉग में ले लिया, बनवा बनवा हेडलाइन बनवा। नहीं नहीं हेडलाइन नहीं है, एक अच्छी तो एक इन्फॉर्मेटिव तूने वीडियो बताई है, मुझे लगता है हम आ गए। मैंने देखी है भाई, मैंने नहीं बताई है। हाँ मतलब वही वो जो चल रही थी ना वही। अरे शादियां बहुत हो रही हैं आजकल यार, शादियों का सीजन चल रहा है उमर, शादियों का सीजन चल रहा है। इस तरह किस तरह देख रहा है शादी वाले घर को। तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ मुझे दे दो, मैं ये दोस्ती का रिश्तेदारी में इसके पास ना, सिर्फ ये जुगत जुगत टाइप कन्वर्सेशंस होती हैं इसके पास। यार मुझे कभी कभार लोग जब कहते हैं ना ये, मैं कहता हूँ जिस दिन मैं बोलने लग गया ना सही, उसके बाद कोई नहीं बोलेगा मेरे। हो गया जिस दिन मैं, उस दिन कोई बंदा नहीं बोलेगा मेरे आगे। हम शरीफ क्या हुए, सारी दुनिया होगी। समझ नहीं आती, मैं बस लिहाज कर दिया तो मैं कहता हूँ यार अल्लाह ने इज्जत दी हुई है ना बोल उमर। हाँ। लेकिन जिस दिन मैं बोल पड़ा ना, बहुत लोग चुप हो जाएंगे। हेलो रायहा, हाय, आजो शूट करवा रही, खड़े हो गए तो अभी खड़ी। कितनी देर में आना है, कितनी देर में आना है, कितनी देर में, 2 मिनट में तो आ जाओ चलें। टीचर को हम जा रहे हैं, टीचर को काम है हमें घर, टीचर का मैं घर काम है, आ जाओ ना, चल आ जाओ जल्दी, पहले चॉकलेट लेके दूंगा। ओके क्या बना रहे हो, जहाज बना रहे हैं। यार वो जहाज नहीं उमर, एक वो भी होता था वो, इसको पकड़ के इस तरह करते पटाखा बजता था बचपन में। और तेरा भाई भाई सब कैसा आ रहा है, आप चाचू से क्या बनवा रही हो, एरोप्लेन। एरोप्लेन चाचू खुद एरोप्लेन है, जहाज है चाचू आपके, आपके बिट्टा। अच्छा मेरे दोस्त भी जहाज है। हाँ। अच्छा यार, हाँ। यार आप लोग किस किस को याद है, ये बचपन में जो क्लास में होता था, ये कागज से बनाते थे वो पेज से, एरोप्लेन, कश्ती और ये और भी काफी चीजें बनती थी, क्या क्या बनता था। हाँ अब मुझे तुम्हें जरा स्टेटमेंट ना, मुझे वीडियो में चाहिए था इसलिए मैंने व्लॉग ऑन किया। तो क्या कह रहा था, हम उधर से ईएमई से हो आए तब तक तो तैयार होगा, और अगर तू तैयार ना हो वो जुर्माना क्या। अगर मैं तैयार हो गया फिर क्या जुर्माना, फिर पहले तू बताना फिर वो इधर कर लेंगे। किधर आना फिजा, यार तुम अंदर अपना शोशा थोड़ा करो। यार हमारी कोई, वही मैं कह रहा हूँ कोई हमारे लड़कों की प्राइवेसी होती है, ये क्या तुम इतना आगे क्या 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 आगे व्लॉग्स बनाने हैं आपने, तो फिर आप घर को पेंट करवाओ और लाइट्स लगाओ ताकि अच्छे अच्छे वो शक्लें। अच्छा मैं 10 मिनट के व्लॉग के लिए पूरा घर पेंट करवा दूँ, है पागल हो तुम। यार लाइट्स ये देखो ना, लाइट्स भी कम है, ये क्या है, ये क्या इतनी लाइट्स। अच्छा और तुम कम कर दो लाइट मेरे व्लॉग में, चला यार एक मिनट। तो यार अभी हम तो जा रहे हैं ईएमई तक, वहाँ पे काम है,
और उसके बाद आके ना वीडियो शीडियोस बनाते हैं, काफी दिन हो गया वीडियोस बनाते। क्या कह रहे तुम? चले ये वाला, ये गाइस ये चेक करें जरा, क्या ग्रीन और रेड हम ना बाजा। सुनो ना, आप उसको क्यों तंग कर रही हो भाई को? रियान आप तंग कर रही है आपको, हैं आप तंग कर रही है? आप दादा साथ क्या देख रही हो बैठ के? कुछ नहीं, मैं तो ये था। दादा को क्या लगा के दिया आपने? कार्टून खबरों में क्या देख रही हो आप? खबरों में देख रहे हैं कि अब कौन सी हुकूमत बननी है। सारों को ये टेंशन है कि वज़ीर आज़म कौन बन रहा है। हाँ? जूसे कार्टून के ऊपर बैठ गया। अच्छा, एक नवाजी कार्टून, एक जरदारी कार्टून। तो मुनीब ने कहा है कि मैं व्लॉग स्टार्ट करूं। मुनीब व्लॉगिंग कैसे करते हैं यार? ये ना तुम्हारे पास का काम नहीं है फिजा, तुम अलग तो ये सही है ना, सही काम ये तुम्हारे पास का ही है। आप ना मेरे YouTube चैनल पे देखें जाके। हाँ, इसको बंद कर दो, इधर ही छोड़ो व्लॉग, इसको बंद करो इधर, ये मैं वीडियो डिलीट करता हूँ सारी, आप अनफॉलो करो जाके, इसको जाके देख लो। आगे से वो बाइक आ रही है मुनीब, आगे से बाइक। यार मेरी बात सुनो, व्लॉगिंग ना करने का एक बड़ा मकसद ये भी है कि मैं आपको मेरे YouTube चैनल पे बताऊंगी, उस पे आप आओ, उस पे बात। तुमने सिर्फ ना ऑडियंस लानी है, हर चीज उधर बताऊंगी उधर बताऊंगी, बताती कुछ भी नहीं हो तुम। ये क्या तरीका मेरा व्लॉगिंग का? तुमने आज तक क्या बताया? यार मेरी बात सुनो, मुझे ये बताओ कि आपको मैं कैसी लगती हूँ? तुम मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी। किस तरह से? हाँ, तुम हर तरह से बहुत प्यारी लगती है। ये क्या बात है, किस तरह से क्या होता है? अच्छा, तो बता, हमारे बच्चे भी देखते हैं व्लॉग्स। नहीं नहीं, अच्छा मुझे ये बताओ कि गाड़ी चलानी कब सीखी थी आपने? गाड़ी चलानी ना यार मैंने बड़ी जल्दी सीख ली थी, मतलब आम इंसान उतनी जल्दी नहीं सीखता। मैं सिक्स क्लास क्योंकि में आप आम इंसान थे नहीं ना, इसलिए। हाँ तो मैं स्पेशल चाइल्ड बेटा, मैंने ना सिक्स क्लास में सीखी थी, तब मेरी एज क्या थी, कोई 13-14 साल। माशाल्लाह। अच्छा आप मुझे ये बताएं, वैसे छोटे बच्चों का ना नाबालिग बच्चों का गाड़ी चलानी अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन चलो आपने सीख ली थी, आप चलाते थे। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं कोई वो सीडी से चला रहा कोई। आपको पता है कि जब मुनीब ने गाड़ी चलानी सीखी थी ना, तो मुनीब तब से गाड़ियों में अपने साथ सहेलियों को बिठा रहे हैं अपने, तो देखें जब से सिक्स क्लास में थे आप, तब से आप ये सब काम करते हो मुनीब? पता नहीं यार, मुझे तो पता है, मैं तो बस देखो मैं शरीफ इंसान जिसको दुनिया का पता ही नहीं है। यार देखा, इसीलिए मैं व्लॉगिंग नहीं करती। अब जहाँ पे मोबाइल होता है मैं वहीं पे रहने देती हूँ, ना हिलाती हूँ ना करती हूँ। अब यहाँ उस चीज की आदि है ना, तुम करती थी वो न्यूज़ कास्टर से, तुम ठीक है, तो वो होता है कि बस एक जगह पे बस फ्रेम सेट कर लिया, वो बंदा बोल लीजिए, लोगों को थोड़ी सी वेरिएशंस दिखानी चाहिए, कभी इधर घुमाया कभी उधर घुमाया, कभी ये नीचे कर दिया उधर दिखा दिया, कभी ऊपर दिखा दिया, ये लो ऐसे कैमरा बंद कर दे। नहीं, तुमने गाड़ी की ब्रेक क्यों लगवाई है? मैं स्वैग भी चेक किया, वो देखो मेरे लिए पूरा रोड जो है वो क्लियर कर दिया गया है कि फिजम नहीं बेटा, वो वाला जो रोड खाली क्लियर किया ना, वो इसलिए किया है कि अपने जो प्रेसिडेंट साहब है ना, मोहतरम जनाब सदर आरिफ अलवी साहब, वो आ रहे हैं इधर। कह रहे हैं वो आ क्यों रहे हैं, वो तो आपको पता ही नहीं है। वो ना वो डेंटल डॉक्टर भी है, तो उधर ना वेरिया में किसी के दांत चेक करने आ रहे हैं, वो आ गए। तो प्रोटोकॉल दिखाते हैं सदर का। वैसे तो अभी वैसे गाड़ियां तब से गुजर रही हैं पुलिस की, और पीछे भी गुजर रही थी, अभी भी आ रही है। तो सदर साहब इतना प्रोटोकॉल होता है यार। हाँ जी मुनीब, इसीलिए सारे कहते हैं कि ये कुर्सी मुझे दे दो। नहीं, वो तो प्राइम मिनिस्टर का लपड़ा हुआ है। ये सदर साहब जा रहे हैं, सदर साहब को वो सदर कह रहा इतना प्रोटोकॉल मुझे वैसे घर में ना मिलता हो जितना इधर दे रहे हैं। पूरी एक साइड एमए से लेकर बैरिया तक पूरी साइड क्लियर कर दी है यार। ये बस गिने गाड़ियां आप क्या भाई, इतनी गाड़ियां तो आपके बरात में नहीं थी यार, जितनी गाड़ियां सदर के प्रोटोकॉल पे और भी हैं, अभी और भी पीछे। अच्छा वो पीछे तक ये वो उसी थे ना, वो प्राइवेट थी। बैग तैयार हो गया हमारा, ठीक है, ये बॉटल पड़ी है उमर की, मेरी वाली जो है वो अंदर है इसके। मैं क्या कह रहा हूँ उमर, जो जिम की जो डाइट होती है जितनी भी, सबसे जो मुश्किल टास्क होता है ना मेरा, नहीं वो ये अंडे खाना, बॉइल्ड एग्स। तुझे कैसे लगते हैं बॉइल्ड एग्स? नहीं आसानी से खा लेता है, जितने मर्जी हो, 12-14-15-16 जितने मर्जी हो, मेरे से ना जल्दी निकले नहीं जाते मेरे से, तो ये मुश्किल होती है, इसलिए मैं ज़्यादा ना वो कच्चे पी जाता हूँ।
उसमें प्रोटीन पूरी होती है। और कैसे हो आज तेरे पास टोटल कितनी गाड़ियां यार? मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 हैं यार, 10-12 गाड़ियां रखी हुई हैं। तेरा मैं अलग ही स्ट्रैक होता है गाड़ियां। आज टाइम हमारे पास शॉर्ट है और वैसे तो गेम भी शॉर्ट है, तो एक्सरसाइज करके हम ना, और अभी तो शुरू किया है। बाय बाय बाय, तू मेरी जिंदगी में ना, मेरी जिंदगी में बड़ी सुखी गुजरे। सुखी इससे बहस कर सकते हो आप? इससे बनती नहीं है पागल। कौन ढीठ आदमी है? ढीठ आदमी। हाँ, तेरी बुराइयां कर रहे हैं हम तेरे पीछे, पीठ पीछे। कुछ नहीं कह रहे यार, तेरी बुराइयां तेरे पीठ पीछे जैसे अक्सर लोग करते नहीं है, वो काम कर रहे हैं हम। सीन ये है, इसके बाद हमारा ना बड़ा जबरदस्त एक चैलेंज मैच है, क्रिकेट मैच इंडोर, तो आपको वो दिखाते हैं। बड़ा शुगर मेला लगने वाला है वहाँ पे। आ गया रोला हमारा। अपनी टीम बड़ी हैवी है, तू चेक कर, तू टीम चेक कर हमारी हैवी। गाने अरे वहां फुकी उधर है। अरे ओपनर बैट्समैन है उमर भट्ट, जुल्कनैन सिकंदर, वन डाउन मैं, टू डाउन अली भट्ट और थ्री डाउन हारिस। अच्छे प्लेयर ना हमने वन डाउन रखे हुए हैं, ओपनर हमने क्या हल्के फुल्के भेज देते हैं क्योंकि जल्दी आउट भी हो जाना, खैर है बाद में हम संभाल लेंगे। मेन प्लेयर तो ओली बैठा हुआ है हमारा। ये जिस टीम में होता है ना मुखालिफ टीम की तरफ से खेलता है उसमें। आज पै गया रोला, कराने दे। और रोला शुरू यार, उमर अभी ना रोला डाल, अपना स्कोर है यार। जुल्कर तो जल्दी आउट हो गया यार, जल्दी यार, एक बाउंड्री लगा के आउट बस। तो चार ओवर में इतना ही होता है ना। स्टार्ट कर दे अली, ये क्या किया यार पहली बॉल पे ही जुल्कर तो फिर बाउंड्री मार के है यार। अच्छा समझ नहीं आई मेरी तरह। अच्छा हो गए दोनों यॉर्कर पे हो वैसे ना, पूरा निशाने मार अली जुल्कर को, तेरे पे पूरा यकीन था कि आउट होगा तू यार। अली फर्स्ट बॉल पे यार हैट्रिक चांस, जो हैट्रिक हो सकती है मुझे करने दे। मैं तो स्टॉप कर रहा था। स्टॉप क्या तू पे वैगन में बैठा हुआ स्टॉप कर रहा था। चलो यार हैट्रिक चांस यार, पक्का यॉर्कर मारी, गुड शॉट यार आरएस, बच गया हैट्रिक। आउट हो जाए तो आज ब्लॉग ही ना डालना इसी दुख में। यार गाइस मैं आपको बता दूं, इससे पहले दो बड़े बेहतरीन छक्के मारे हैं इसने, जैसे भी लॉग ऑन किया वो बॉल बीट हो गई है। अब दूसरा मैच, पहला मैच हम लोग जीत गए, दूसरे मैच में अली उमर और जुल्कर्ण को दूसरे साइड पे कर दिया। मैं और हारिस इस तरफ आए टीम। ओ यार बहुत अल्लाह यार हारिस सिक्सर। क्रिकेट लवर्स हाथ लगाओ। उमर की आवाज नहीं आ रही। उमर भाई सुन ना, ये क्या देगा, ये क्या देगा, और आएगा। ओ यार हारिस बहुत आला यार, इधर देख यार, कोई अच्छी टीम लाओ यार, ये क्या ले। उमर तेरी आवाज नहीं आ रही, टीम मिक्स कर ले। ये देखें गाइस लूजर्स उसका गुटी निकल जाएगा आठ बॉल में। क्या मारता है, क्या अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय टाटा।